आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल में लोकायुक्त पुलिस ने कोरोना में अवसर तलाश रहे भूहिमपुर के प्रभारी तहसीलदार बीडी तमखानिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। प्रभारी तहसीलदार एक युवक से उसकी सील की गई दुकान को खुलवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। बैतूल के भीमपुर निवासी आवेदक युवराज बादकर ने 25 मार्च को लोकायुक्त भोपाल संभाग में प्रभारी तहसीलदार बीडी तमखानिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदक के मुताबिक कोरोना में आवेदक की ड्राई फ्रूट्स की दुकान को सील कर दिया गया था। आवेदक के माता पिता उसकी शादी का सामान लेने 16 मार्च को अमरावती गए थे, वहां से वापस भीमपुर आ गए थे। इसके बाद 19 मार्च को प्रभारी तहसीलदार ने टीम के साथ जाकर दुकान को सील कर दिया था। इस दुकान को खुलवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद आज शनिवार को लोकायुक्त टीआई वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार तमखानिया को रिश्वत लेते हुए तहसील भीमपुर में पकड़ा गया है। लोकायुक्त ने प्रभारी तहसीलदार को गिरफ्तार कर मुचलका पर छोड़ दिया है। इस कार्यवाही के बाद वहीं ग्रामीणों ने फटाके फोड़कर खुशी का इजहार किया। अमरावती गए थे शादी के कपड़े लेने, मेरी शादी 25 तारीख की जी। तो उसी दिन गए और उसी दिन वापस हुए थे। तो मम्मी पापा गए थे तो उन लोग क्वारंटाइन उसी दिन हो गए थे रात में जब आए थे। उसके बाद जब ये पटवारी साहब और आरएच जी आए थे और उन्होंने लिख के ले गया था कि उनको बता दिया था क्वारंटाइन, तो उन्होंने बोला था क्वारंटाइन में रहो। मैं तो रोज़ दुकान खुली भी रही थी मेरी। उस पीरियड में तहसीलदार आए, उन्होंने बोला तुम्हारी दुकान बंद करना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ से। बोले अमरावती गए तो बंद कर दी थी उन्होंने और सील कर दी थी दुकान। जब 7 दिन मेरे पूरे हो गए उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला अभी नहीं खुलेंगी, 15 दिन बाद और 3 दिन रहना पड़ेगा। क्यों, मैं 25 तारीख को गया था गुरुवार के दिन, तो उनने मुझसे डिमांड करी कि खुलवाना है तो 10,000 रुपये लगेगा। डायरेक्ट करी थी, रूम पे बुलाया था, रूम पे नहीं मिला तो मुझे आज यहाँ पे मिला था। आज ड्राइवर के सामने इधर अंदर ले गया उन्होंने, अंदर के रूम में 10,000 मेरे से नकदी लेके जेब में रखे। तो मेरे द्वारा ये गुरुवार की शिकायत लोकायुक्त को, मेरी दुकान की सील खुलवाने के लिए मुझसे पैसे की डिमांड की जा रही है। मैं नेगेटिव रिपोर्ट लाके बताई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट, और उनके द्वारा 10,000 रुपये दुकान सील खुलवाने की मांग की गई 25 तारीख को। 26 को शिकायत के आधार पर सत्यापन उपरांत हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। आज दिनांक को इनको 10,000 रुपये रिफंड लेते तहसील कार्यालय में पकड़ा गया मॉर्निंग में। यहाँ पे सब तकरीबन कितने बजे कार्रवाई स्टार्ट की आपके द्वारा? हमने करीब 10:15 बजे की। आप तो टीम में क्या हो सर? मैं इंस्पेक्टर हूँ, वीके सिंह नाम। वीके सिंह, पूरी कार्रवाई होगी? पूरी कार्रवाई का ये मोटिव ये है कि जो क्वारंटाइन बाहर के आदमी करते हैं कोरोना में जी, उनको पूरा क्वारंटाइन निकालना पड़ता है। तो इनने दुकान सील कर दी, सील होने के बाद उसको खुलवाने के एवज में पैसे की मांग की थी कि हम आपकी क्वारंटाइन पीरियड के पहले दुकान खुलवा लेंगे, इतने पैसे दोगे तो। कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज? धारा 7 PC के तहत मामला दर्ज किया। अभी कार्रवाई जा रही है, हम उनकी बेचना जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। 10,000 रुपये पेंट की जैसे पेंट कितने कितने के लोग थे? 10,000 रुपये। कितने लोग हैं सर टीम में? करीब 10 लोग हैं। करीब 10 लोग की टीम है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ,
पार 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।